एक मुश्किल दौर से वो बची निकली और कामयाब हुई। ये हम सब के लिए प्रेरणा भी है कि चाहे कितना बड़ा मुश्किल आप पड़े, अगर आप अहद कर लें कि मैंने फेस करना है। उस बच्ची ने अकेली नहीं फेस किया जैसे आप कहते हैं, और उसने एक पड़ाव ज़िंदगी का तो आगे हासिल किया। अल्लाह करे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। और जहाँ तक बात है कि उसको उस वक़्त क्यों कोई नहीं आया, शायद वो उस वक़्त के हुक्मरान जवाब दे सकते हैं। मैं सरकार में नहीं था 2016 में, मैं जवाब ख़त्म कर रहा हूँ वहीं पे। सर दूसरा सवाल मेरा है, मैं 2016 के उस खूनीन साल में मैं मिनिस्टर नहीं था, और उसके लिए आप महबूबा मुफ्ती से जवाब पूछिए। मैंने भी पूछा था, मुझे पार्टी से निकाला गया। आगे चलिए। बसातत से शोपियन के लोगों को कहता हूँ, जाओ कब्जा करो उन कोल्ड स्टोरों पे। अगर बैक डोर से पीडीपी ने अपने वर्कर्स को दिया है, लोगों को पूरा हक है कि उन पे जाके कब्जा करें। मैं आपको सच बताऊं, वसूख से बताऊं, अल्लाह की कसम हम लोगों को भी अब पता लगी है कि इमें यह कार कर रहा। अब सुनिए, उनकी जमात है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं उनकी जमात को ये कहूँगा कि उनके बेमिसाल हैं या बामिसाल हैं। मैं ये तब मानूंगा जिस वक्त यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे, जिनको लोग दे देंगे वो उनका फैसला होगा। नंबर एक, हमने इनके इन 9 सालों में 2 चीज़ें देखी। एक ये देखा कि हमारी स्पेशल पोजीशन जो थी उसको ले गए। दूसरा ये देखा कि उन्होंने कहा हमने जमहूरियत ग्रास रूट की बहाल की। वो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, क्या बहाल की, कौन सी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत, ये तो बादशाह का दूसरा नाम है। तो इसलिए मैं नशा मुक्त भारत का अभियान या प्रोग्राम चलाए जाते हैं, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोली जाती हैं, ये बहुत ज्यादती है। बल्कि मैं इस पे वज़ीर आज़म हिंद से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब गुजरात में वज़ीर आला थे, आपने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ शराब मुक्त वो बनाया। यहाँ बिहार को शराब मुक्त बनाया गया, कश्मीर को क्यों हर गली कोचे में शराब की दुकानें खोल रहे हो, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या है ये दोहरा मयार क्यों, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हमें कहा जाता है कि ये टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज़्म के लिए किया जाता है। तो बिहार क्या गुजरात में टूरिज़्म नहीं है? बहुत बड़ा टूरिज़्म है वहाँ पर भी। एक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।